तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन इस जीत का महाविश्लेषण आज करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। और आज का विश्लेषण बीजेपी को जलेबी वाली जीत का विश्लेषण, जाट लैंड में बीजेपी का क्या जलवा आया है। हुड्डा फैक्टर के बावजूद जाट बहुल 17 सीटों में से 60 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, और इसके अलावा हरियाणा की 36 बिरादरी का आशीर्वाद भी बीजेपी को मिला है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने जाटलैंड में खराब प्रदर्शन नहीं किया है। इसके बाद मैं आता हूं अगले नंबर के ऊपर, दलितों ओबीसी पर कांग्रेसी दांव फेल रहा है। दलित के लिए आरक्षित 17 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, और 18 से 20 सीटों पर ही ओबीसी वोटर का सीधा असर है। और ज्यादातर सीटों पे जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक 17 सीटों पर बीजेपी को निर्णायक जीत मिली है, और सैनी फैक्टर हावी रहा है। यानी 20 में से 17, 17 में से 8, और जो बाकी सीटें गई हैं, एक बीएसपी को गई है, एक अन्य को गई है, तो कांग्रेस को यहां पर नहीं सीटें मिल पाई हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे, किसानों पर सियासत ध्वस्त हो गई है। किसान नेता बने गुरनाम सिंह चुड़ूनी की जमानत जब्त हुई है। गुरनाम सिंह चुड़ूनी को सिर्फ 1170 वोट मिले हैं और वो पांचवें नंबर पे रहे हैं। यानी बीजेपी ने किसान वाला नैरेटिव हरियाणा चुनाव के साथ धराशायी कर दिया है कि किसान नाराज है, क्योंकि किसान ने झोली भर के वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, नायब सैनी को दिया है, नरेंद्र मोदी को दिया है। अब मैं बढ़ता हूं आगे, बीजेपी का ट्रंप कार्ड, एंटी इनकंबेंसी से निपटने के लिए बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा, अपना मुख्यमंत्री बदला, जो स्ट्रैटेजी रही सही साबित हुई। गठबंधन तोड़कर सत्ता विरोधी लहर का ठीकरा जेजेपी पर फोड़ा गया, और जेजेपी को इसका बड़ा नुकसान भी हुआ, और जेजेपी लगभग हरियाणा के अंदर समाप्त हो गई। अब मैं बढ़ता हूं आगे, आरएसएस का ग्राउंड वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है कि बीते 4 महीने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हरियाणा में 16,000 छोटी बड़ी मीडियम लेवल की जनसभाएं करी, जिसके बाद यह जीत मिली है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो नींव रखी उसको बीजेपी की रणनीति ने, यानी अमित शाह और जेपी नड्डा ने आगे बढ़ाया नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर, और बीजेपी की झोली में वो जीत डाली। शायद कोई पॉलिटिकल पंडित इसको एस्टिमेट नहीं कर रहा था, कोई एग्जिट पोल इसको एस्टिमेट नहीं कर पाया। इस जीत को अगर हम नाम दें तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस से जबड़े से जीत तो छीनी है, लेकिन जबड़ा तक हिला दिया है। ये हार्ड फैक्ट है, क्योंकि ये जीत सालों तक, दशकों तक याद रहेगी बीजेपी की। यह जीत बहुत बड़ी है और इसमें आरएसएस का कद बहुत बड़ा है। इसके अलावा अब एक और फैक्टर है, वो है मुसलमान वोट। मेवात के आसपास की 4 मुस्लिम सीटों पर, बहुल सीटें जो हैं वहां पर कांग्रेस का बंपर वोट मिला है, कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। बदले की धमकी देने वाले कांग्रेस के विधायक मामन खान की करीब 1,00,000 से ज्यादा वोटों से जीत हुई है, तकरीबन 1,00,000 से जीत हुई है। यानी कुल मिलाकर मुसलमान वोट एकमुश्त कांग्रेस को पड़ रहा है। कांग्रेस दूसरी तरफ एक डिवाइड क्रिएट करना चाह रही थी कि हिंदू वोट बढ़ जाए, वो कुछ हद तक बटा भी, लेकिन एंड में कंसोलिडेट हुआ और वहां बीजेपी को लाभ मिला है। अब राहुल फैक्टर का हाल भी आज जान लेते हैं कि राहुल फैक्टर की रिपोर्ट कार्ड क्या है। 12 सीटों पर राहुल जी रैली करके आए, 7 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली, यानी स्ट्राइक रेट यहां पर खराब है राहुल गांधी का।